Welcome to Get -Get Plus. Uh, तो आज हम फिर से आपका फेवरेट करने वाला है, Digital Electronics. And I hope आप सभी ने मेरे जरूर जरूर देखे होंगे. इससे पहले का वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा. So just मैं एक बार रिकॉल करता हूँ लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे हमारा मॉडल नंबर थ्री कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हमने डिस्कस किया था डिकोडर क्लियर तो आई होप कि डिकोडर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एक्टिव लो क्या होता है एक्टिव हाई क्या होता है स्मॉल डिकोडर को हम से बिग डिकोडर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑल दिस थिंग आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अगर अभी तक आपने दो सर्किट पढ़ी है एक्चुअल पे कौन कौन सी एडर एंड डिकोडर आपने देखा एडर एक स्पेसिफिक सर्किट है जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है लेकिन आपने डिकोडर देखा डिकोडर एक जनरल सर्किट है अगर हम डिकोडर के बाहर एक्टिव लो पे नाइन गेट एंड एक्टिव हाई डिकोडर पे और गेट लगाते हैं तो आप कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है बट एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड ठीक है तो अब आपको इतना समझ में आ गया है कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक हमारा गोल है कि कोई स्पेसिफिक सर्किट हो और दूसरा हमारा गोल है कि एक जनरल आर्किटेक्चर हो जिस आर्किटेक्चर के थ्रू और जिस ब्लॉक के थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकें कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकें सो so, आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले मल्टीप्लेक्सर यहां हम बार बार इसे क्या बोलेंगे मक्स हम क्या बोलेंगे इसे मक्स एम यू एक्स ठीक है So, आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने डिकोडर के बाद एनकोडर क्यों नहीं, नहीं हैं ये रीजन आपको क्लियर हो जाएगा मैंने आपको गोल क्लियर किया है मेरा काम डिकोडिंग एनकोडिंग नहीं करना है ठीक है मेरा काम एक ऐसा डिजिटल ब्लॉग बनाना जिसके थ्रू हम कोई भी बोलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये हमारा टारगेट है क्लियर है ये हमारा टारगेट है सो मल्टीप्लेक्सर एग्जैक्टली होता क्या है so, तो देखते हैं चलिए मैं एक ब्लॉक लेता हूँ एक ब्लॉक लेता हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर क्लियर है ओके ना सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे मल्टीप्लेक्सर में जो आउटपुट होगा वो एक ही सिंगल आउटपुट होगा क्लियर तो मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट होगा क्लियर और इस ब्लॉक को इनेबल करने के लिए यहाँ एक इनेबल सिग्नल होगा सेम एक्टिव लो से इनेबल हो सकता है जीरो से भी इनेबल हो सकता है वन से भी इनेबल हो सकता है है तो इनेबलिंग डिसेबलिंग के लिए आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस सो ये आपका इनेबल अभी मैंने सिंपल ये लिखा है तो हम इसे इनेबल ई e लिख लेते हैं और इसको मैंने नाम दे दिया है क्या इनेबल ठीक है ये हम यहाँ बबल लगा के भी इसे इनेबल कर सकते थे इतना क्लियर है ना no. अब जनरली इनेबल सिग्नल रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है बहुत बार ठीक है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये जब सर्किट वर्क ऑन होगी उसी समय ये वर्क करेगी ठीक है तो बहुत बार हम ये इनेबल को रिप्रेजेंट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको करना चाहिए अब ये क्या होगा यहाँ जो इनपुट लाइन होंगी ये टूरेस्ट टू पावर एन होंगी हाउ मच टूरेस्ट टू पावर एन और हम इसे लिखते हैं टू रेस्ट टू पावर एन क्रॉस वन सो हमारे पास जो इनपुट लाइन है कितनी होगी लाइक दिस यहाँ पे हम जो इनपुट लाइन लेने वाले हैं दिस इज टू रेस्ट टू पावर एन इनपुट लाइंस। तो हमारे पास इनपुट होगा टू रेस्ट टू पावर एन एन आउटपुट होगा कितना वन सो so, यहाँ पे हमारे पास होगी वन आउटपुट लाइंस। क्लियर गडिंग डिकोडर पे हमने देखा था क्या था डिकोडर पे आपके पास इनपुट एन थे एन आउटपुट टू रिस्ट पावर एन आप सभी मीन टर्म जनरेट कर रहे थे वहां और फिर मीन टर्म को ऐड कर रहे थे ठीक है यहाँ हम चीजें थोड़ा डिफरेंट वे पे डिजाइन करते हैं नाउ यहाँ हम कुछ सिलेक्शन लाइन्स लेते हैं सो so, यहाँ हम कुछ सिलेक्शन लाइन लेते हैं लाइक दिस ठीक है और हम यहाँ यूज करते हैं एन सेलेक्शन लाइन क्या यूज करते हैं एन सिलेक्शन लाइन क्लियर सो इन लेक्शन लाइन का आप लिख सकते हैं एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री एन इस इनपुट को हम लिख सकते हैं आई एस जीरो आई वन आई टू आई थ्री सो देखेंगे अगर मैं इसे आई जीरो लिखता हूँ दिस इज दिस इज आई एन लिख सकते हैं ऐसा और ये एन टू रेस्ट टू पावर एन तो चलिए मैं इसे भी रहने देता हूँ ठीक है सिमिलरली यहाँ आप एस जीरो से आप स्टार्ट करेंगे एस जीरो एस वन लाइक दिस क्लियर है सेलेक्शंस लाइन को हम s0 s1 s2 s3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इनपुट लाइन को i0 i1 i2 i3 मैंने बोला अल्फाबेट आप चेंज कर सकते हैं जरूरी नहीं i ही यूज किया जाए आप d भी यूज कर सकते हैं आप x भी यूज कर सकते हैं आप y भी यूज कर सकते हैं बट जनरली हम इनपुट पे या तो i यूज करते हैं या तो x यूज करते हैं कभी-कभी हम d यूज करते हैं ठीक है जनरली इनपुट पे हम आई यूज करते हैं तो जनरली आई यूज करते हैं इसलिए मैंने भी आई यूज किया है ठीक है सो बट ऐसा नहीं है आई ही यूज करना है अल्फाबेट यू कैन चेंज तो मैं हमेशा जीरो ऑर्डर को नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं कोई भी इशू नहीं है क्लियर यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं है यहाँ जनरली ऑर्डर हम यहाँ एल एस बी और यहाँ एमएसबी लिखते हैं बट अगेन ऑर्डर यू कैन चेंज ठीक है तो ऑर्डर पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्लियर है तो so, मल्टीप्लेक्सर की साइज की अगर हम बात करें तो इसके साइज को आप क्या बोलेंगे टू रेस्ट टू पावर एन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा टू रेस्ट टू पावर एन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर क्लियर है तो so, मल्टीप्लेक्सर में एक आप देखेंगे कि एक सिंगल आउटपुट है तो क्या आउटपुट में आपको कोई लॉजिक गेट लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा आउटपुट तो एक सिंगल ही लाइन है अब सिंगल लाइन के साथ आप एक ही चीज कर सकते हैं इनवर्ट और कोई दूसरा चीज नहीं कर सकते सो so, यहां पे तो लॉजिक गेट नहीं लगने वाला है इतना आपको समझ में आ गया सो so, जो डिकोडर में प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे आउटपुट थे मींस मीन टर्म्स थे सभी को आप कंबाइन करके कोई बुलियन फंक्शन बनाते थे यहां ये प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर रिक्वायर पहली चीज दूसरी चीज अगर आप देखेंगे अगर हम डिकोडर की बात करें तो आप एडर कम सब्स सर्किट एक साथ बना सकते थे एडर एक साथ बना सकते थे जिसमें सम होगा कैरी होगा मतलब एक साथ मल्टी आउटपुट ले सकते थे बट आप मल्टीप्लेक्सर में देखेंगे एक बार में एक ही फंक्शन बनाया जा सकता है तो आपको यहाँ अगर अभी हम डिकोडर से कंपेयर करें तो डिकोडर से यहाँ एक एडवांटेज है क्या एडवांटेज है यहां आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा लॉजिक गेट नहीं लगाना पड़ेगा अभी हम सर्किट का वर्किंग देखेंगे बट ये क्लियर है दूसरा चीज आपको ये क्लियर है एक ड्रॉबैक भी दिख रहा है क्या ड्रॉबैक दिख रहा है डिकोडर में हम एक बार में मल्टी फंक्शन आउटपुट ले सकते थे मेनी नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन ले सकते थे बट यहाँ पे एक बार में एक ही फंक्शन आउटपुट में पॉसिबल है क्लियर है तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सो फर्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ एन अगर मैं एज्यूम करता हूँ होर माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज फोर क्रॉस वन मक्स हम इसे ऐसा लिखते हैं ठीक है फोर क्रॉस वन मक्स तो आपके दिमाग में मल्टीप्लेक्सर जब भी बोला जाए आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए देखेंगे सबसे पहले आप आउटपुट ड्रॉ करेंगे फोर क्रॉस वन मक्स ठीक है आप आउटपुट ड्रॉ करेंगे दिस इज आउटपुट वन एक आउटपुट होगा हाउ मेनी नंबर आप इनपुट वन टू थ्री एंड फोर ठीक है इसको आप देखेंगे मैं नाम देता हूं आय जीरो दिस इज आय वन

आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री कोई बुलियन फंक्शन का फॉर्म भी हो सकता है क्लियर माइ पॉइंट बुलियन फंक्शन का फॉर्म भी हो सकता है सो आई जीरो हाउ मेनी हियर सेलेक्शन लाइन हम एक इनेबल ले, ले लेते हैं एक्टिव लो से भी इनेबल हो सकता है एक्टिव हाई से भी हो सकता है ठीक है अगर फोर इनपुट है तो हमारे पास सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी टू सेलेक्शन लाइन होंगी क्लियर तो इसे मैं नाम दे देता हूं एस जीरो और इसको नाम दे देते हैं एस वन क्लियर है आप अंदर चाहे तो लिख सकते हैं देखेंगे जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये आपका जीरो है ये आपका वन है तो जीरो वन टू थ्री के ऑर्डर से हम समझ जाते हैं कौन एम एस बी है और कौन एल एस बी है ये आपका आउटपुट है और इस आउटपुट को मैं फंक्शन क्या बोलता हूं एफ क्लियर है सो so, मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे सो so, मल्टीप्लेक्सर का, का काम क्या है मल्टीप्लेक्सर में आप देखेंगे यहां पे अगर चार इनपुट है क्लियर है तो आपका मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा चारों में से किसी एक को पकड़ेगा और आउटपुट में देगा क्लियर सो so, समझ लीजिए ये एक स्विच है यहाँ पे जो इससे कनेक्ट हो सकता है इससे 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 तीनों से कनेक्ट हो सकता है तीन मीन चारों से जीरो वन टू थ्री बट किससे कनेक्ट होना है ये कौन डिसाइड करेगा एस जीरो एस वन तो आप देखेंगे अगर ये जीरो जीरो है तो क्या होगा आई जीरो आउटपुट में चले जाएगा अगर ये जीरो वन है, आउटपुट में चले जाएगा अगर ये वन जीरो है, तो आई टू आउटपुट में चले जाएगा और अगर वन वन है, तो आई थ्री आउटपुट में चले जाएगा इसका मतलब एक बार में जितने भी इनपुट हैं, उनमें से एक इनपुट को हम पिक करते हैं और वो कौन डिसाइड करता है आपका एस जीरो और एस वन कह इतना कौन डिसाइड करता है एस जीरो एंड एसो वन तो चलिए अगर हम इसका ट्रूट टेबल ड्रॉ करें तो एक आपके पास ले लेते हैं और इनपुट कौन है चले जाएगा और यहाँ अगर मैं लिखता हूँ एफ क्या लिखता हूं मैं फंक्शन एफ आप एफ बोले या आउटपुट बोलिए या फिर मैं इसे बोल देता हूँ आउटपुट ठीक है तो चलिए अभी हम इसे क्या बोल देते हैं चलिए आउटपुट ठीक है ना no. सो so, क्या हो जाएगा अगर इनेबल वन है ये दोनों जीरो जीरो है इनेबल वन है ये जीरो वन है इनेबल वन है ये वन जीरो है और इनेबल वन है ये वन वन है तो आउटपुट क्या होगा जब ये जीरो जीरो है तो आई जीरो आउटपुट में चले जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आई जीरो और जब जीरो वन है तो क्या मिलेगा आई वन वन जीरो है तो क्या मिलेगा आई टू एंड वन वन है तो क्या मिलेगा आई थ्री अब अगर इनेबल नहीं है जीरो है तो ये कुछ भी हो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा मिलेगा ही नहीं नो no आउटपुट इस केस में जो आउटपुट मिलता है मैं इसे बोलता हूं हाई इंपीडेंस स्टेट हाई इंपीडेंस स्टेट हाई इंपीडेंस इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लासेस जहां पे हमने लॉजिक गेट स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था बफर के समय ट्राई स्टेट बफर भी हो सकता है इसका मतलब एक सर्किट आउटपुट जीरो भी दे सकती है वन भी दे सकती है और नो आउटपुट सो इस केस में आउटपुट कुछ भी नहीं होगा डिजिटल सर्किट में अगर आप ये बोलते हैं कि आउटपुट जीरो है डेट इज द आउटपुट आउटपुट जीरो हो सकता है आउटपुट वन भी हो सकता है और आउटपुट कुछ भी नहीं हो सकता नो आउटपुट तो डिजिटल सर्किट में प्रैक्टिकली थ्री केसेस इज पॉसिबल एक केस में जीरो होगा आउटपुट एक केस में वन होगा और एक केस में नो आउटपुट सो जब भी नो no आउटपुट मिलेगा हम इसे क्या बोलते हैं हाई इम्परेस स्टेट तो आप इसे डेटा में इसे क्या हाई इम्परेस क्या नाम दे देता हूँ स्टेट क्लियर है और इसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नो डेटा क्या बोलते हैं नो डेटा और नो आउटपुट क्लियर है इसका मीनिंग सो so, अगर ये सर्किट काम नहीं करेगी ये डिसेबल है तो आउटपुट क्या मिलेगा जीरो मिलेगा नहीं गलत हो गया वन मिलेगा नहीं क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा दैट इज नो आउटपुट क्लियर है इतना सो आई होप कि ये मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है इतना आपको क्लियर होगा ठीक है तो यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है ये जो चारों है आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री जल्दी बच्चे से मान के चलते है, तो 0 या या तो होगा नो दिस कैन भी एनीथिंग कुछ बच्चे से सिंगल वेरिएबल मान के चलते हैं नो दिस कैन बी भी बुलियन फंक्शन ऑल्सो क्लियर कुछ भी हो सकता है जीरो जीरो है तो आई सेलेक्ट होगा जीरो वन है तो आई वन वन जीरो है तो आई टू एन वन वन है तो आई थ्री क्लियर अब अगर आप आउटपुट के फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो क्या होगा सो so आप देखेंगे यहाँ पे आपका आउटपुट और यू कैन से एप को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होगा तो जब ये जीरो जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखेंगे एस वन बार एस जीरो बार जब जीरो जीरो है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आई जीरो तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई जीरो 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 है तो जीरो बार जीरो बार क्या होगा वन इंटू वन किस से मल्टीप्लाई होगा आय जीरो से क्लियर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है सो so, बट ये वाली कंडीशन ट्रू है दिस इज बार एंड सो इस केस में क्या मिलेगा प्लस ये कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं है सो so यहाँ क्या हो जाएगा एस वन एस जीरो बार इस केस में आपको क्या मिल जाएगा आय टू और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा एस वन एस जीरो और इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा आई थ्री चारों ही कंडीशन ट्रू नहीं है कुछ ना कुछ तो होगा ये जीरो जीरो होगा या जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं इनेबल इनेबल को इनेबल वन है देन आपको आउटपुट मिलेगा और इनेबल अगर जीरो है तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा नो आउटपुट बट आप फंक्शन से देखेंगे अगर इनेबल जीरो है तो आप इसे लिख क्या देते हैं जीरो आप क्या लिख देते हैं जीरो ठीक है बट उसे फिलिंग से अगर समझेंगे ये सर्किट डिसेबल है इसका मतलब आउटपुट में क्या है आउटपुट में कुछ नहीं है तो डिजिटल में मैथमेटिकली चीजें डिफरेंट होती हैं एंड प्रैक्टिकली चीजें डिफरेंट होती है ठीक है तो मैथमेटिकली हम ऐसा ही लिखते हैं बट इसे फीलिंग से समझते हैं इसलिए हम ये ई को जनली मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि ये आपको कब मिलेगा जब ये इनेबल होगा और इनेबल नहीं होगा तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा क्लियर क्लियर है इतना तो बहुत आसान है क्लियर अब चलिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है ये कितने वेरिएबल है अगर मैं बात करता हूं यहाँ एन आप कितना लिए टू रेस्ट टू पावर एन इसका मतलब यहां एन इक्वल टू क्या है टू क्या है एन इज टू टू तो एटलीस्ट टू वेरिएबल तो ये हो ही सकता है सो so, इसका यूज करके टू वेरिएबल से आप क्या डिजाइन कर सकते थे आप यहां देखेंगे एक बार में मेघी फंक्शन हो सकता है तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे हाफ एडर डिजाइन करना है क्या डिजाइन करना है हाफ एडर तो क्या आप फोर क्रॉस वन के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं एक फोर क्रॉस वन के थ्रू आप या तो सम डिजाइन कर पाएंगे या कैरी क्योंकि एक बार में मेघी आउटपुट है यहाँ पे आपको दो मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी तो अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हमारा क्वेश्चन है इंप्लीमेंट हाफ एडर हाफ एडर बाय फोर क्रॉस वन मक्स क्या है हमारा क्वेश्चन इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय फोर क्रॉस वन मक्स तो देखते हैं चलिए यहां कितने मक्स चाहिए एक मक्स आपको सम के लिए चाहिए तो इसके आउटपुट को हम बोल देते हैं सम एक और मक्स हमें चाहिए जिसके आउटपुट को हम बोल देते हैं कैरी इसके आउटपुट को मैं नाम दे देता हूं क्या कैरी ठीक है एक आउटपुट सम और सेकेंड आउटपुट कैरी ना यहाँ आपके पास कितने इनपुट है, है S0, I0, I1, I2, अब जब लेना है तो यहाँ वैल्यू पुट करना है तो आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री अंदर लिखते हैं और ये एस अंदर लिखते हैं अब ये बार बार लिखने में थोड़ा इशू होता है इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ जीरो वन जीरो वन टू थ्री ऐसा मैं लिखता हूं जैसा कि आपने यहाँ देखा ठीक है ना यहां भी हम ले लेते हैं इसे ऊपर ले लेते हैं एस जीरो और एस वन क्लियर है एस जीरो तो सेम होगा एस वन सेम होगा क्या मैं ऐसा ले सकता हूं ले सकते हैं नाउ तो चलिए अगर हम हाफ एडर के सबसे पहले फंक्शन की बात करें ये आपको क्लियर हो चुका है ना इसे मैं रिमूव करता हूं तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे हाफ एडर हमारा होता क्या है फंक्शन ले लेते हैं अगर ये फंक्शन आपका ए कॉमा बी है क्लियर है सो so सम हमें क्या मिलेगा सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी क्लियर और हमें कैरी क्या मिलेगा कैरी हमें मिलेगा ए डॉट बी ये आपको मिलेगा ठीक है तो ये हमें बनाना है तो हमारा जो वेरिएबल है ए और बी है तो एस वन को मैं क्या करता हूं ए दे देता हूं और एस जीरो को क्या करते हैं बी दे देते हैं दे सकते हैं तो so, आप देखेंगे जब ए बार बी बार होगा तो आई जीरो आउटपुट में जाएगा जब ये जीरो वन होगा तो आई वन वन जीरो आई टू वन वन होगा तो आई थ्री सिमिलरली यहां से आप दोनों को अलग अलग भी बना सकते थे ठीक है आप अलग अलग भी बना सकते थे अब हमें ये वैल्यू चाहिए हमें ये वैल्यू चाहिए ठीक है तो आप क्या कर सकते थे इस सम के लिए अगर आप मीन टर्म निकाल लेते हैं ठीक है तो आप सम को क्या लिख सकते हैं सम इज नथिंग बट मीन टर्म ऑफ वन टू कैसा लिख सकते हैं यस yes, लिख सकते हैं एंड कैरी के लिए आप क्या लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट मीन टर्म ऑफ थ्री लिख सकते हैं ए बी मतलब थ्री एंड ए बार बी प्लस ए बी बार मीन वन एंड टू सो यहाँ पे मीन टर्म वन टू है एंड कैरी पे मीन टर्म थ्री है क्या है थ्री है सो so, क्या हम यहां से लिख सकते हैं यस yes, लिख सकते हैं कैसे सम के लिए कौन कौन से मिनटर्म चाहिए वन और टू तो ये वन होगा ये टू होगा ये दोनों आपके वन हो जाएंगे और ये आपका जीरो हो जाएगा और ये नहीं चाहिए ये जीरो जो चाहिए वो वन और जो मिनटम नहीं चाहिए वो जीरोक्टली मिनटर्म exactly ही तो है आई जीरो क्या है ए बार बी बार आई वन क्या है ए बार भी आई टू क्या है ए बी बार और आई थ्री क्या है ए भी ठीक है और अगर मैं यहाँ जीरो वन ले रहा हूँ इसका मतलब जो मिनटर्म आपको चाहिए उसे वन से कनेक्ट कर दीजिए और जो नहीं चाहिए उसे जीरो से कनेक्ट कर दीजिए कर सकते थे ना सिमिलरली कैरी पे क्या हो जाएगा यहाँ आपके पास ये जीरो है वन है टू है थ्री है ठीक है so, सो यहाँ कौन कौन सा मीन टर्म चाहिए ऑनली थ्री चाहिए सो ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा लाइक दिस दिस विल बी द सर्किट फॉर हाफ एडर दिस विल द सर्किट फॉर हाफ एडर क्लियर देखिए हाफ एडर आपने किसके किसके थ्रू बनाया है पहले एक स्टैंडर्ड सर्किट के थ्रू बनाया डिकोडर के थ्रू बनाया और अब आपने किसके थ्रू बनाया मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाया किसके थ्रू बनाया मल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्लियर किसके थ्रू बनाया मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ठीक है अब यहां पे एडवांटेज क्या है मल्टीप्लेक्सर के साथ आप क्या एडवांटेज देखेंगे कि डिकोडर में आपको एक्स्ट्रा बाहर में गेट लगाना पड़ता यहां पे कोई भी लॉजिक गेट लगाना नहीं पड़ रहा है तो आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर यहां लगाना नहीं पड़ेगा दिस इज द द मैजिक मैजिक दिस इज मल्टीप्लेक्सर इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को हम मैजिकल सर्किट बोलते हैं सो so, पूरे कॉम्बिनेशनल सर्किट का हार्ट अगर आप बोलें तो वो क्या है मल्टीप्लेक्सर यहां आपके पास सिर्फ मल्टीप्लेक्सर है उसके थ्रू आप कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकते हैं दिस इज द एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है कि आपको एक मल्टीप्लेक्सर के थ्रू सिर्फ एक बुलियन फंक्शन मिल सकता है अगर आपको मल्टी बुलियन फंक्शन चाहिए, वहां पे आपको मेनी नंबर ऑफ लगाने पड़ेंगे। यही एक इसका डिसएडवांटेज है ठीक है तो अगर आप यह साइज की बात करें तो आपने क्या लिया था दिस इज फोर क्रॉस वन एंड फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर इज फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर इतना हमें क्लियर है ना अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं ये क्वेश्चन दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा निकालिए तो ये बहुत आसान हो जाता है तो आप कैसे लिखेंगे सम इज इक्वल टू जो आपने अभी डेरिवेशन लिखा था ऊपर ठीक है कैसे ये जब जीरो जीरो है मतलब ए बार बी बार तो आप क्या लिखेंगे ए बार बी बार मल्टीप्लाई आई जीरो आई जीरो में क्या है जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस ए बार बी मल्टीप्लाई ए बार बी मीन आई वन आई वन इज वन प्लस ए बी बार ये किससे मल्टीप्लाई होगा आई टू आई टू क्या है आपके पास वन सो दिस बट मल्टीप्लाई लास्ट वन इज ए बी एंड ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा आपका क्लियर अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका मिनिमम मिनिमम क्या निकाल सकते हैं बुलियन फंक्शन आप चाहे तो इसको आप चाहे तो इसे कैनोनिकल फॉर्म पे भी लिख के के मैप में पुट करके मिनिमाइज फंक्शन निकाल सकते हैं तो चलिए ये जीरो है ये जीरो है टू वेरिएबल हमें डायरेक्टली लिखना आता है टू वेरिएबल क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू आप इसे क्या लिख सकते हैं ए एक्स और बी क्लियर है तो आपको यहां के मैप की रिक्वायरमेंट नहीं थी चलिए कैरी लिखते हैं कैरी क्या हो जाएगा ए बार बी बार इंटू आई जीरो आई इज जीरो आई वन इज जीरो आई टू इज जीरो सेकेंड फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा ए बार बी डॉट जीरो थर्ड क्या हो जाएगा ए बी बा डॉट जीरो प्लस सिर्फ लास्ट आपको मिलेगा ए बी ए बी डॉट ए बी डॉट वन तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी डॉट वन ये तीनों जीरो हैं तो आंसर कैरी क्या मिलेगा आपको ए बी क्या मिलेगा ए बी क्लियर है सो so अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसका आउटपुट निकालना इज वेरी वेरी इजी टास्क क्या है वेरी वेरी इजी टास्क क्लियर है अगर मैं यहाँ बोरो बोलता आपको तो यहां अगर आप हाफ पेडर का बोरो निकालते तो ए बार बी तो ए बार बी को आप किससे मल्टीप्लाई करते वन से और बाकी तीनों को किससे मल्टीप्लाई करते जीरो से किससे मल्टीप्लाई करते Zero से तो टू वेरिएबल हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं टू वेरिएबल इज वेरी वेरी इजी थिंग क्लियर है सो फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर क्लियर मल्टीप्लेक्सर का एडवांटेज क्लियर मल्टीप्लेक्सर का यूज अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर फिर आगे पढ़ेंगे हम अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर ठीक है जल्दी हम पूरा पढ़ के लास्ट में लिखते हैं एप्लीकेशन अभी आप समझ जाइए मल्टीप्लेक्सर का, का काम क्या है सबसे पहला काम यहां आप मल्टीप्लेक्सर मक्स डी मक्स आप फोन पे कॉल करते हैं वो आपके टावर तक जाता है वहां एक मशीन लगी होती है ठीक है वहां पे मल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं और डी मल्टीप्लेक्सर भी लगे होते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल एक साथ आते हैं सो कम्युनिकेशन सिस्टम पे भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है बट यहां हमारा गोल कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है हमारा गोल क्या है टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन क्लियर तो हमारा जो मेन एप्लीकेशन है नंबर वन वी कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन बाय मल्टीप्लेक्सर ओके मैं लिख सकता हूं वी कैन इम्प्लीमेंट न इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन एनी बुलियन फंक्शन फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे आपने decoder में दो एप्लीकेशन देखा था टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन बट वहां पर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना पड़ता था और दूसरा एप्लीकेशन देखा था आपने की मेमोरी के एड्रेस को लोकेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है तो यहां भी हमारे पास एक दूसरा एप्लीकेशन और है क्या एप्लीकेशन है यहां आप देखेंगे कि एक साथ पैरेलल बहुत डेटा आ रहे हैं बट यहां से एक बार में एक डेटा ही जाएगा तो ये अगर चार लोग हैं समझ लीजिए एक पुल है नदी के ऊपर एक ब्रिज है बहुत सारी रोड वहां से आके कनेक्ट हो गई फोर रोड आ गई सो एक बार में ब्रिज में एक व्हीकल जा सकता है तो चारों में आप एक को भेजेंगे फिर सेकेंड को भेजेंगे फिर थर्ड को भेजेंगे फिर फोर्थ को भेजेंगे इसका मतलब हम इसे बोलते हैं पैरल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन तो हम इसे क्या बोलते हैं दिस इज ऑल्सो यूजल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन सीरियल डेटा कन्वर्जन ठीक है और ये पैरल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन हमें एग्जैक्टली जनरली कहाँ पे नीड होती है कम्युनिकेशन सिस्टम पे ठीक है डिजिटल पे भी होती है बट जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है अब कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिजिटल तो लगाना पड़ेगा अगर वहां डिजिटल डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में दो पार्ट होते हैं एक एनालॉग और एक डिजिटल ठीक है जैसे मैं वॉइस बोल रहा इसमें दो पॉसिबिलिटी है ये आगे से एनालॉग पे भी भेज सकता है और डिजिटल में भी भेज सकता है डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं ठीक है सो कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम पैरेलल टू सीरियल डेटा के लिए यूज करते हैं मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल बताया आपको मोबाइल कम्युनिकेशन बट अगर आपके पास बहुत सारे डेटा आ रहे हैं और आपके पास पाथ भी कुछ सेलेक्टिव है वहां पे तो हम क्या करते हैं किसको भेजना है ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर यू कैन नोट डाउन आप चाहे तो नंबर थ्री भी लिख सकते हैं मक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एस कॉल्ड नहीं बोलते हम रिफर्ड एस क्या रिफर्ड कर सकते हैं इसे डेटा सेलेक्टर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डेटा सेलेक्टर हम क्या बोल सकते हैं मक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एस डेटा सेलेक्टर आप कौन से डेटा को सेलेक्ट करना है कोई एक डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कमांड देंगे यहाँ पे और जो भी डेटा आपको सेलेक्ट करना है यू कैन पिक क्लियर है सो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन डेटा सेलेक्टर बट मेरा जो प्राइम Target है, है? ठीक अब अगर आपसे कोई पूछे, एडर आपने अलग अलग तरीके से बनाया था, which one is the best एडर, which one? आपको वहां पे अब सोचना आना चाहिए ठीक है कि कौन बेटर है कौन बेटर है ठीक है उनमें कौन बेटर है क्लियर है इतना नाउ अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फोर क्रॉस वन मक्स है इसकी इंटरनल सर्किट क्या होगी फोर क्रॉस वन मक्स की मल्टीप्लेक्सर in ये आपसे कोई पूछ सकता है कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा जनरली बच्चे से स्किप कर देते हैं कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा अब आप इसे समझ भी सकते हैं तो अगर मैं टेबल बनाऊ फिर से हमारे पास इनेबल है यहाँ ए बी है

या तो I1 आएगा या तो I2 टू आएगा या तो I3 आएगा और इनपुट आप देखेंगे यहाँ इनेबल है और S1 S0 है ठीक है और उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है सो so, क्या मैं यहाँ आउटपुट आप देखेंगे एक मिलेगा जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तो लास्ट में मैं एक आउटपुट लिख सकता हूँ देखेंगे आउटपुट अब आप इस आउटपुट में देखेंगे आपने फंक्शन देखा था एस वन बार एस जीरो बार ठीक है तो आउटपुट आई जीरो मिलता था तो so, जब ये दोनों जीरो जीरो होंगे उस समय आउटपुट आपको क्या मिलेगा आई जीरो मिलेगा क्या मिलेगा आई जीरो मिलेगा ठीक है सो हम क्या कर सकते हैं इसे हम क्या इसे एक एंड गेट से पास कर सकते हैं यस yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चारों में से कोई एक तो अगर आप ये इसका फंक्शन देखेंगे वन टू थ्री फोर ये एक एस है मीन टर्म मीन टर्म मीन टर्म मीन टर्म और ये चारों का क्या है सम है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ एक एक और गेट लगा सकता हूँ और अगर ये फोर क्रॉस वन है तो कितने इनपुट होंगे चार सो यहाँ हम कुछ एंड गेट ले लेते हैं वन टू थ्री एंड फोर ले सकते हैं ऐसा और इन चारों के आउटपुट को हम किससे पास कर देते हैं आपके इस और गेट से कर सकते हैं ऐसा इस और गेट से हम इसे पास कर सकते हैं नाउ क्लियर सो अब आप देखेंगे जो आपने इसका फंक्शन लिखा था जस्ट आप उसके सर्किट बना दीजिए सो आउटपुट क्या होता एस वन बार एस जीरो बार इंटू आई जीरो So, आप यहां क्या ले लेंगे एस जीरो बार या चलिए ऊपर एस वन ले लेते हैं या हम एक काम करते हैं चलिए यहां हम एक इनेबल ले, ले लेते हैं दिस इज इनेबल ठीक है ये चारो इनेबल से तो कनेक्टेड होंगे अगर इनेबल वन है तो ही वो आउटपुट मिलेगा कौन सा आउटपुट मिलेगा फाइनल आउटपुट ठीक है और अगर इनेबल वन नहीं है तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा तो इनेबल से तो सभी कनेक्टेड होंगे ठीक है अगर इनेबल नहीं है जीरो है तो ये चारों जीरो हो जाएंगे तो चारों को हम इनेबल से कनेक्ट कर देते जीरो 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 बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है इस केस में आउटपुट आपको हाई इंपनेज स्टेट मिलता है ठीक है आपको समझाने के लिए मैंने लिखा इसीलिए रियल लाइफ में या इनेबल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ठीक है लॉजिकली वो गलत है ठीक है ना तो इनेबल हम कर सकते हैं लास्ट में इनेबल नहीं है तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं स्टेट तो मैं अभी इनेबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं मेरे पास एस वन और एस जीरो तो मैं क्या करता हूं देखेंगे एक एस वन ले हूं। एस वन एक ले ले लेता लेता हूं हूं दिस इज इज और इसका नॉट दैट का बार लिख सकते हैं क्योंकि मुझे दोनों चाहिए और सेकेंड में ले लेता हूं एस जीरो और मैं ले लेता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ऐसा कुछ क्लियर है ऐसा कुछ हम इसका क्या ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ठीक like है ना no. सो so, पहला आउटपुट देखते हैं एस वन बार एस जीरो अब इसके साथ साथ आउटपुट आपको क्या चाहिए आई जीरो सो जो इसका तीसरा इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा आई जीरो so, अगर ये दोनों जीरो जीरो है तो ये वन वन होगा वन वन इंटू आई जीरो आई जीरो आउटपुट में चले जाएगा क्लियर है और अगर ये दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट में क्या जाएगा जीरो जाएगा क्लियर नाउ सेकंड को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं एस वन बार इंटू एस जीरो कनेक्ट हो गया एंड सेकंड एस जीरो से कनेक्ट हो गया एंड यहां हम इनपुट ले लेते हैं क्या आन क्लियर है एंड थर्ड को हम कनेक्ट कर देते हैं एस वन एस वन इंटू एस जीरो बार दिस इज योर एस वन एंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ एस जीरो बार ठीक है यहाँ हम इसे कनेक्ट कर देते हैं किससे आई टू से क्लियर है एंड लास्ट हम ले लेते हैं एस वन इन टू एस जीरो हम क्या ले लेते हैं आई थ्री क्लियर है तो आपके पास चार इनपुट है आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री और दो इनपुट है एस वन एस जीरो टोटल आपके पास एग्जैक्टली exactly इनपुट कितने होते हैं ये चार और ये दो सिक्स इनपुट क्लियर है तो आप देख सकते हैं आउटपुट फंक्शन क्या होगा एस वन बार एस जीरो बार इंटू आय जीरो प्लस एस वन बार एस जीरो इंटू आई वन प्लस एस वन एस जीरो बार इंटू आई टू प्लस एस वन इंट एस जीरो इंटू आई थ्री क्लियर यहाँ जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा एस वन बार एस जीरो बार इंटू आय जीरो यहां आपको क्या मिलेगा एस वन बार एस जीरो इंटू आय वन यहाँ आपको क्या मिलेगा एस वन एस जीरो बार इंटू आई टू एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा एस वन एस जीरो इंटू आय थ्री बट आपको ये क्लियर है कि चारों में से एक ही आउटपुट होगा क्योंकि अगर ये देखेंगे यहाँ दो चार कंडीशन है चारों में से एक बार में एक कंडीशन ही ट्रू होगी ठीक है और होगी एक कंडीशन तो ट्रू होगी इसका मतलब ये चारों में से कोई ना कोई एक आउटपुट आपको यहां पे मिलेगा मिलेगा इसका मतलब प्रैक्टिकली इनेबल आप कहां पे कनेक्ट करेंगे लास्ट में कहीं कनेक्ट करेंगे अभी हम उस उसपे डिस्कस नहीं करते हैं आइडियल इनेबल लगाना है तो इन सब में इनेबल को कनेक्ट कर देते हैं क्लियर है इतना सो अभी हम इनेबल पे फोकस नहीं करते हैं। हम ये फोकस करते हैं इसके अंदर कौन से लॉजिक गेट है अब आप देखेंगे इसको बनाने के दो तरीके थे आपके पास आपको इस ब्लॉक को बनाने के दो तरीके थे कौन कौन सा पहला आपने एंड और लिया कोई बच्चा यहाँ पे नैंड भी तो ले सकता था और अगर इसे नैंड लेगा तो ये आपका नैंड हो जाएगा क्या आगे और बाहर कोई चेंजेस होगा नहीं होगा इसीलिए मल्टीप्लेक्सर्स में हम में हम एक्टिव लो मल्टीप्लेक्सर एक्टिव हाई मल्टीप्लेक्सर ऐसी कभी बात नहीं करते हैं क्लियर माई पॉइंट मल्टीप्लेक्सर में कभी भी हम एक्टिव लो मल्टीप्लेक्सर एक्टिव हाई मल्टीप्लेक्सर ऐसी कोई बात हम नहीं करते हैं क्यों नहीं करते रीजन क्लियर क्योंकि आपके पास यहां दोनों ही चॉइस थी अंदर या तो आप इसे एंड और गेट से बनाइए या आप इसे नैंड नैंड से बनाइए सो so, रियल डिजाइन किससे बनती होगी नैंड नैंड से ही बनती होगी किससे बनती होगी नैंड नैंड से ही बनेगी क्लियर तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है तो व्हाट इज योर आंसर आपका आंसर क्या होगा मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है क्योंकि मैंने पढ़ाया है POS आपका Nand से बनाने में लग जाएगा इसलिए हम पीओ को प्रेफर नहीं करते हैं क्लियर है? तो अब हम यहाँ ये यह पढ़ेंगे ही नहीं कि सर आप और एंड से बना के बताइए हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें वो बनाना ही नहीं है ठीक है हम पहले क्यों पढ़े so हमें कंपेरिजन पता हो ठीक है तो क्लियर मल्टीप्लेक्सर तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर अगर कोई पूछे डबल क्लिक करके क्या मिलेगा तो तुरंत बोल देना एसओपी एसओपी फंक्शन सभी जगह मिलता है और यहाँ आपके पास दोनों चॉइस थी एंड और भी बोल सकते थे और नैंड नैंड भी बोल सकते थे उससे इनपुट और आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्लियर है अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो ये मल्टीप्लेक्सर अभी लिया है इस मल्टीप्लेक्सर को आप क्या बोलेंगे दिस इज फोर क्रॉस वन मक्स अब मैं अगर आपसे पूछूं ये मक्स आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है या कुछ कोई और है डिजिटल है क्योंकि अंदर में कौन सा एलिमेंट है डिजिटल तो so, मल्टीप्लेक्सर में एक्चुअली पे हम दो कैटेगरी के, के मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं एक डिजिटल और एनालॉग ठीक है तो इस अभी हम ये डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसे मैं बोलता हूं दिस इज नथिंग बट डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या बोलता हूं डिजिटल मक्स क्या बोलता हूं डिजिटल मक्स तो फोर क्रॉस वन डिजिटल मक्स ही होगा क्लियर है इतना ना चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लेक्सर क्लियर फोर वन अगर आपको देता है तो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आउटपुट निकालो बहुत आसान है उसके अंदर क्या होगा बहुत आसान है अगर आपको कोई बुलियन फंक्शन दिया जाए और इंप्लीमेंट करो तो फोर क्रॉस वन के थ्रू वो भी आसान है क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा फोर मिनटम होंगे और उस फोर मिनटम को आप इजिली लिख सकते हैं डायरेक्टली क्लियर है ना अब मैं बात करता हूं यहां अब मैं बड़े मल्टीप्लेक्सर पे नहीं जाता हूं अब मैं छोटे मल्टीप्लेक्सर में आता हूं कौन से साइज टू क्रॉस वन अब मैं मैंटेंट थिंग टू क्रॉस वन मक्स क्लियर है किसमें आते हैं हम टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर एंड दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग आप यहां पे टेन स्टार लगा दीजिएगा कितना स्टार टेन स्टार ठीक है इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है? टेन स्टार और कहीं नहीं लग सकता क्या मैंने बोला टेन स्टार और कहीं नहीं लग सकता ठीक है चलिए देखते हैं टेन स्टार तो मैंने लगा दिया ऐसा क्या है यहां पे? ऐसा क्या है यहां पे मल्टीप्लेक्सर टू क्रॉस वन में क्या है तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हमारे पास एक टू क्रॉस वन मक्स है दिस इज टू क्रॉस वन हाउ मेनी इनपुट टू इनपुट मैं इसे बोल देता हूँ आय जीरो आई वन आपने इसे जीरो बोला वन आप वन को ऊपर जीरो को नीचे लिख सकते हैं कोई सो नहीं है ठीक है वन आउटपुट है आपके पास दिस इज आउटपुट यहाँ हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन एक सिलेक्शन लाइन होगी चलिए हम एस जीरो को यहाँ लिख लेते हैं एंड दिस को मैंने नाम दे दिया जीरो एक ही सिलेक्शन लाइन होगी यस yes, और यहाँ एक इनेबल है दिस इज इनेबल इनेबल का मतलब समझ लीजिए पावर सप्लाई एक तरीके से बट रियल लाइफ में माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल मिलता है पावर सप्लाई और यू कैन से इनेबल सिग्नल सो वो डिवाइस काम करना चालू करती है दिस इज वन काइंड ऑफ यू कैन दैट इज वन काइंड ऑफ पावर सप्लाई स्विच ऑन ऑफ इनेबल मतलब स्विच ऑन इनेबल ऑफ मतलब स्विच ऑफ क्लियर है ना no. सो so, अगर हम इसका ट्रूथ टेबल आउटपुट निकालते हैं चलिए पहले आउटपुट क्या होगा एस जीरो जब जीरो होगा मीन एस जीरो बार तो आउटपुट क्या मिलेगा आई एस जीरो मिलेगा प्लस जब ये वन होगा मिस एस जीरो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा आई वन मिलेगा ऐसा अगर आप इसकी सर्किट बनाना चाहें तो देखेंगे यहाँ एक एंड गेट होगा यहाँ एक एंड गेट होगा दो एंड गेट है और दोनों एंड गेट किससे जा रहे हैं और गेट से सब कुछ एंड और या नैंड नैंड होता है एवरीथिंग ठीक है ना इसका इनपुट आप देखेंगे यहाँ आप एक एस ले लेते हैं तो पहले आपका एस जीरो के बाहर से कनेक्टेड हो जाएगा हम एक नॉट गेट लगा देते हैं ठीक है और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा एस जीरो से ठीक है यहां हम ले लेते हैं आई जीरो और यहां हम ले लेते हैं क्लियर एंड दिस दिस इज इज योर योर आउटपुट आउटपुट इनेबल लेना है तो इन दोनों में इनेबल सिग्नल को भी कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है so, सो आप देखेंगे आप देखेंगे ये आपका क्या है ये आपके पास क्या है एक टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर है दिस इज टू क्रॉस वन मक्स मैं आपसे पूछता हूं ये डिजिटल मक्स है या एनालॉग मक्स है डिजिटल मक्स है कौन सा मक्स है यह आपका डिजिटल मक्स है डिजिटल मक्स तो कौन से लॉजिक गेट लगे एंड गेट और गेट क्या आप इसे नैंड में कन्वर्ट कर सकते थे ये श्योर आप यहाँ एक बबल लगा देते यहाँ बबल यहाँ बबल यहाँ बबल कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये नैंड है नैंड है और ये नैंड है तो मक्स में अगर कोई पूछे मक्स के अंदर कौन सा लॉजिक गेट होता है एंड और या फिर नैंड या फिर क्लियर से कम लग रहे हैं, तो आप मक्स में क्या करते हैं? कि अगर आपको कभी मक्स बड़ा यूज नहीं करते छोटे छोटे मक्स से बड़ा मक्स बनाने में नंबर आप लॉजिक गेट कम लगते हैं एंड बड़े मक्स से सर्किट डिजाइन करने में लॉजिक गेट ज्यादा लगते हैं दिस इज एडवांटेज विथ मक्स आप देखेंगे इसमें बहुत कम लॉजिक गेट लगा ठीक है ना एक दूसरा तरीका एक और तरीका आप देखेंगे अगर मैं एक टू क्रॉस वन मर्स लेता हूं लाइक दिस ठीक है ये क्या आपके पास टू क्रॉस वन मर्स यहां आपके पास आय जीरो आय वन है दिस दिस इज इज एंड ठीक है I1, यहां आपके पास एक आउटपुट है दिस इज आउटपुट क्लियर है नाउ यहां आप देखेंगे ये आउटपुट या तो इससे कनेक्ट होगा या तो इससे कनेक्ट होगा मैं इसको यहां ऐसा लिख दे कर देता हूं So, एक स्विच है जो टू वे स्विच है जिसको कौन कंट्रोल करेगा जिसको कौन कंट्रोल करेगा एस S0. जीरो अगर एस जीरो स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा और अगर एस जीरो स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा क्लियर है तो एक सिंपल सा एक स्विच है एस जीरो जीरो है तो वो स्विच आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा और एस जीरो अगर वन है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा तो जस्ट आपको एक स्विच यहां पे लगाना था लॉजिक गेट की प्रैक्टिकली जरूरत नहीं थी तो अगर आप एक स्विच बना सकते हैं डायोड के थ्रू डायोडीज स्विचिंग सर्किट विजेटिज स्विचिंग सर्किट बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनालॉग एंड डिवाइसेस में आप सर्किट्स पढ़ते हैं जिसके थ्रू आप स्विच डिजाइन कर सकते हैं सो so, यहां मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया आप डिवाइसेस और एनालॉग इसका मतलब बिजेटी डायोड का यूज करके बना सकते थे सो जस्ट एक स्विच चाहिए मुझे तो इसे मैं क्या बोलता हूं विच विच मक्स एनालॉग मक्स एनालॉग मक्स क्लियर है अब अगर मैं आपसे रियल लाइफ में पूछू ये वाला मक्स बेटर है या ये वाला मक्स बेटर है मुझे तो मक्स से मतलब है तो ये मक्स इससे बेटर आपको मिल जाता है कुछ नहीं है इसके अंदर खाली है कुछ नहीं है खाली है सिर्फ एक स्विच है सिर्फ एक स्विच है कितना आसान हो गया इसीलिए मैंने बोला टेन स्टार डाल डाल दीजिए यहाँ पे क्या कर दीजिए टेन स्टार डाल दीजिए क्लियर है अब आप देखेंगे अगर आपको एक स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करना है सपोज क्लियर एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है है वर्क दोनों का सेम है, अगर हम यहां आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या मिलेगा जब एस जीरो जीरो होगा तो ये किससे कनेक्ट होगा आई जीरो से प्लस और जब ये एस जीरो वन होगा तो ये किससे कनेक्ट होगा आई वन से होता इस सर्किट को यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए इनेबल हम और लगा देते हैं दिस इज इनेबल

आय जीरो एंड दिस इज आय वन और यहां आपके पास क्या है एस जीरो आपके पास क्या है आउटपुट क्लियर है इस सर्किट को मैंने बोला है डिजिटल मक्स मतलब इसके अंदर लॉजिक गेट है डिजिटल मक्स ठीक है Ready? याद रखना टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्स को कभी कभी एक नाम यूज किया जाएगा एलयूटी लुकअप टेबल एक्चुअली ट्रुथ टेबल को ही हम लुकअप टेबल बोलते हैं बट अगर कभी एलयूटी नाम बोला जाए तो समझ जाना दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर So, अगर कभी आपको एग्जाम पे ऐसा बोला जाए एल यू टी का मतलब होता है लुकअप टेबल लुकअप टेबल कभी ऐसा नाम अगर यूज किया जाता है तो समझ जाइएगा दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लेक्सर ठीक है घबराना नहीं कि सर कोई नया नाम तो हमें नहीं दे दिया गया नाउ मैंने बोला डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है नाउ इफ इफ आई जीरो एंड आई वन इज साइनोसॉइडल सिग्नल इज असोडल सिग्नल अगर ऐसा है साइनोसॉइडल सिग्नल है तो क्या आउटपुट में यहाँ साइनोसॉइडल मिलेगा अब आपके ये क्लियर होना चाहिए इसके अंदर तो लॉजिक गेट है लॉजिक गेट का आउटपुट तो जीरो होगा या वन होगा तो यहाँ कोई साइनोसॉइडल नहीं मिलेगा आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा डिजिटल आउटपुट क्या मिलेगा डिजिटल आउटपुट मतलब जीरो मिलेगा या वन मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू इनपुट क्लियर है सो so, यहाँ जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा ऑनली डिजिटल आउटपुट बट अगर यहां पे आई जीरो अब आप देखेंगे ये तो जस्ट स्विच कनेक्टेड है अब आपको इससे मीनिंग समझ में आ गई कि यहां मैं जो भी दूं, ये जस्ट एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है ये केबल ऐ समझ लीजिए केबल को जोड़ रहा है ऐसा यहां पे कोई लॉजिक गेट नहीं है जस्ट एक पाथ है तो अगर यहां साइनोसॉइडल सिग्नल आएगा और अगर स्विच इससे कनेक्टेड है तो क्या आउटपुट में साइनोसोडल मिलेगा यस yes, मिलेगा और अगर यहां आपका आई वन पे आउटपुट में साइनोसॉइडल मिलेगा तो यहाँ पे ए नॉग आउटपुट इज ऑल्सो पॉसिबल क्या हो सकता है ए ना लॉग आउटपुट इज ऑल्सो पॉसिबल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे जो आउटपुट मिलता है दैट इज नथिंग बट एना लॉग आउटपुट इज ऑल्सो पॉसिबल बट एक अब मिलेगा जब आपका इनपुट क्या होगा एनालॉक होगा अगर आप इनपुट एनालॉकुलर एनी है केबल से कनेक्ट होके आगे जा रहा है But आपको वो स्विच कैसे डिजाइन किया है अभी जस्ट बेसिक बोला कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा बट लॉजिकली जब आप उसे एना लॉक सर्किट में डिजाइन करेंगे एग्जैक्टली exactly आप उसका वर्किंग देखेंगे कि वो अपने से कैसे सिग्नल को आगे जाने देता है क्लियर है कैसे क्या वो साइनोस को आगे जाने देता है या नहीं देता करेंट कैसे फ्लो होगा वहां वोल्टेज कैसे फ्लो होगा ठीक है अब इसे करेंट या वोल्टेज समझ लीजिए ठीक है यहां लेकिन आपका आउटपुट क्या मिलेगा डिजिटल आउटपुट ही मिलेगा सो so अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज बेटर इन दिस टू डेफिनेटली आपका आंसर होगा क्या एनालॉग मल्टीप्लेक्सर अगर मुझे डिजिटल सिग्नल में ही यूज करना है तो जरूरी नहीं आप उसे यूज करिए आप इसे भी यूज कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं तो उसके कॉल को आगे ट्रांसफर करना है तो क्या डिजिटल मल्टीप्लेक्सर काम आ सकता है नहीं आपको तो ऐसे डेटा को सेलेक्ट करना है ना अगर वो डेटा एनालॉग डेटा है और एनालॉग डेटा को अगर सेलेक्ट करके आगे भेजना है तो आपको कौन से मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी एनालॉग मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी क्लियर है इतना तो क्लियर दोनों में डिफरेंस क्या है तो जस्ट मैंने एक छोटा सा बेसिक बताया कि अगर हम मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में साइनोसोइडल देते हैं तो क्या आउटपुट में साइनोसोइडल मिलेगा अंदर लॉजिक गेट है तो नहीं मिलेगा और अंदर से पाथ है स्विच है तो मिलेगा क्लियर है बट क्या 4 क्रॉस 1 में ये पॉसिबल था ये मेरा क्वेश्चन है 4 क्रॉस 1 में अगर आप बात करते तो ऐसे यहाँ पे चार स्विच होते अब यहाँ पे फोर फोर ये स्विच आपका ऐसा ट्रेवल करने वाला होना था ठीक है तो वहां पे फोर अगर एट की बात करेंगे तो एट तो ऐसे स्विच बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सो so, दो इनपुट के लिए स्विच बनाना आसान है चार के लिए स्विच बनाना टफ है एट के लिए स्विच बनाना इज वेरी वेरी टफ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड क्लियर ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल बट वो हमारे लिए फिजिबल होना चाहिए तो so, हमारे लिए फोर और एट के लिए एनालॉग स्विच बनाना इज नॉट फिजिबल इसीलिए हम टू क्रॉस वन को ही जोड़ जोड़ के बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं अगर आपको एनालॉग की रिक्वायरमेंट है तो क्लियर है बट अभी हम डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जनरली वी फोकस ऑन द डिजिटल मल्टीप्लेक्स ठीक है ना चलिए अब अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ आप देखेंगे हमारे पास एक कुछ ऐसा है ना यहाँ आपके पास आय जीरो है आ, अंदर लिखते हैं चलिए दिस इज आय जीरो एंड यहाँ आपके पास I1 वन है दिस इज आय वन क्लियर और यहाँ आपके पास एस जीरो है क्लियर नाउ यहाँ हमारे पास एक आउटपुट है अगर इस आउटपुट को हम इस स्विच से कनेक्ट कर दें ऐसा कुछ ठीक है और आपको पता है इसे ये एक स्विच यहाँ स्विच होगा और इसको कौन कंट्रोल करेगा एस जीरो अगर एस जीरो जीरो होगा तो इससे कनेक्ट होगा और अगर ये वन होगा तो इससे कनेक्ट होगा तो आप देखेंगे इनिशियल अगर ये जीरो था इनिशियल ये जीरो था तो यहाँ क्या होगा जीरो यहाँ जीरो होगा तो ये आई जीरो को सेलेक्ट करेगा तो मैं क्या करता हूँ आई जीरो पे वन लगा देता हूं क्या कनेक्ट कर देता हूँ वन तो क्या होगा आप देखेंगे अगर आउटपुट इनिशियल जीरो था ठीक है तो क्या होगा यहां जीरो आएगा यहां जीरो आएगा और अगर ये जीरो है दिस विल बी कनेक्टेड टू फिर I0 इससे कनेक्ट होगा मतलब तो क्या हो जाएगा आपको नेक्स्ट वन फिर यहां वन आएगा वन होगा एस जीरो तो ये आई वन से कनेक्ट होगा और मैं इसे जीरो से कनेक्ट कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा जीरो फिर यहां जीरो होगा तो एस जीरो जीरो है तो आई जीरो से कनेक्ट होगा दैट इज वन फिर क्या मिलेगा वन इसका मतलब अगर ये इनिशियल जीरो था तो वन हो जाएगा फिर जीरो हो जाएगा फिर वन हो जाएगा जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा जीरो like मिलेगा ऐसा अब मैं बोलता हूं ये टाइम कितना होगा अब ये जीरो था तो ये आई जीरो में चले गया आई जीरो में चले गया ठीक है ये वन हो चुका है अभी हम यहां पे हैं वन पे ठीक है ना ये आप वन पे चले गए अब वन से जीरो कितने टाइम पे होगा यहां तुरंत वन आएगा और ये स्विच यहां मूव करेगा स्विचिंग टाइम दिस इज स्विचिंग टाइम स्विच कितना डिजिटल में अगर मैं किसी क्वेश्चन पूछू की हम फास्ट स्विच किसके थ्रू बना सकते हैं ठीक है और अगर मैं आपसे एक सैम्पल क्वेश्चन पूछू विच वन इज द फास्टेस्ट स्विच आप ट्राई करके फाइंड आउट करेंगे ठीक है विच वन इज द एना अलाउ पे आप मुझे बताएंगे कि सबसे फास्ट स्विच हम किसके थ्रू बना सकते हैं बीजेटी के थ्रू डायोड के थ्रू एफी के थ्रू या कोई स्पेशल डायोड्स हो सकता है या कोई भी सर्किट ठीक है सबसे फास्टेस्ट स्विच कौन होता है ये मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी कमेंट पे मुझे करके बताएंगे विच वन इज द फास्टेस्ट स्विच ठीक है सो ये जो टाइम होने वाला है ये आपका कितना टाइम होगा स्विचिंग टाइम दिस इज स्विचिंग टाइम ठीक है दिस इज स्विचिंग टाइम स्विचिंग टाइम का मतलब वन से जीरो और जीरो से वन होने में इस स्विच को जितना टाइम लगता है जितना फास्ट होगा ये टाइम उतना कम होगा जितना टाइम कम होगा आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी सो so, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं दिस टी तो व्हाट इज द टी जीरो मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दिस स्क्वायर स्क्वायर मिला तो so क्या हो जाएगा टू इन टू स्विचिंग टाइम टू इन टू स्विचिंग टाइम देख सकते हैं जीरो से से को सेम मान के चलता हूं अगर ये दोनों अलग अलग होते तो मैं क्या करता इसे मैं ऐसा लिखता टाओ पी एल एच लो टू हाई और एक मैं लिख देता टाओ पी एच एल हाई टू लो जीरो से वन होने में जितना टाइम लगता है और वन से जीरो होने में जितना टाइम लगता है ठीक है कभी कभी ये दोनों सेम नहीं होता कभी कभी सेम नहीं होता ठीक है बट इसे अभी मैं हटा दे रहा हूं ठीक है सो अगर आप इसका टाइम पीरियड बात करें टू इंटू स्विचिंग टाइम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ट इज एप स्क्वायर वेव है मैं इसे क्लॉक नाम देता हूं डिजिटल में स्क्वायर वेव को हम आगे क्लॉक यूज करेंगे sequential इसलिए मैंने clock बोल दिया. क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू जीरो क्लियर तो आपने एक स्क्वायर वेव बना लिया किसके थ्रू एक सिंपल टू क्रॉस सिंपल टू क्रॉस वन मक्स के थ्रू बाई यूजिंग योर बेसिक फंडामेंटल अब आपको इन्हें कंट्रोल करना है

फास्टेस्ट सर्किट नॉट लॉजिक ना डिजिटल नहीं एनालॉक की मैं बात कर रहा हूं विच वन इज दौन आपको फास्टेस्ट स्विच प्रोवाइड कर सकता है डायोट विजेटी एफटी या कोई स्पेशल डायोट या कोई और या कोई और क्लियर तो टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर का आपने एक एडवांटेज देख लिया ठीक है आपने एनालॉग मल्टीप्लेक्सर भी देख लिया और आपने डिजिटल मल्टीप्लेक्सर भी देख लिया अब संज्या मैंने टेनिस स्टार क्यों लगाया So, इसके थ्रू आपने स्क्वायर व्यू बना लिया क्या बना लिया स्क्वायर व्यू ठीक है चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप क्या आप क्या आप यहाँ पे एक्स आर गेट बना सकते हैं एक्स आर गेट बाय टू क्रॉस वन मक्स मतलब कोई भी लॉजिक गेट कोई भी लॉजिक गेट क्या टू क्रॉस वन मार्क्स के थ्रू बनाया जा सकता है ये मेरा क्वेश्चन है कोई भी लॉजिक गेट अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया एक्स और क्या एक्स और बनाया जा सकता है तो एक्स और अगर मैं एज्यूम करूं आपके पास एक फंक्शन है जो ए और बी है और आपको आउटपुट क्या चाहिए ए एक्स और बी इसका मतलब ए बी बार प्लस ए बार बी ऐसा चाहिए आपको ऐसा चाहिए क्या आप बना सकते हैं देखेंगे ये जीरो है ये वन है और ये जीरो है मतलब ये सिलेक्शन लाइन है आई जीरो है ये आई वन है ठीक है थीके? अगर ये जीरो है तो मैं अगर इसे ए ले लेता हूं तो ए बार है ए बार किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बी से और अगर ये ए, ए है तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बी बार से अगर मैं ऐसा लिखता हूं बट यहां पे आपको एक बी बार चाहिए बी बार चाहिए इसीलिए डिजिटल सर्किट में जब भी आप ए और बी इनपुट देंगे मुझे सो किसी मैं मतलब किसी भी लॉजिक सर्किट को सो सबसे शुरू पे ही हम उसका ए बार और बी बार क्रिएट कर लेते हैं ऐसा नहीं कि आप ए बी बार चाहिए तो नॉट गेट से बाद में पास करेंगे नो जब चाहिए शुरू पे ही जो आपको बार बार जरूरत होती है इसलिए कभी भी हम इनपुट जब बनाते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी साथ में बना लेते हैं ठीक है तो हम मान के चलते हैं कॉम्प्लीमेंट इनपुट इज अवेलेबल अगर नहीं होता तो नॉट गेट लगाना पड़ता और मैंने बोला एक्सटर्नल लॉजिक गेट हमें नहीं लगाना है तो मैंने यहां बोला कि कॉम्प्लीमेंट इनपुट आपके पास अवेलेबल था मतलब बी बार अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा आउटपुट लिख सकते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ए बार इनटू दिस जीरो इज कनेक्टेड मतलब बी और जब ए होगा तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा बी बार बी बार तो क्या हो जाएगा ए एक्स और बी फिर से आपको एक मैजिक मिल गया और यही क्या है हाफ एडर का सम तो हाफ एडर के सम के लिए फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर में बोला था कि यहां जो आई जीरो और आई वन है दिस कैन बी आई जीरो और वन और इट कैन बी ए बुलियन फंक्शन बुलियन फंक्शन आप सिंगल वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट या मल्टी वेरिएबल तो आपने यहां सिंगल वेरिएबल यूज किया बी और बी बार हम मल्टी वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं बट मल्टी वेरिएबल आएगा कहाँ से उसके लिए तो लॉजिक गेट लगाना पड़ेगा अगर मैं बोलूँ यहाँ ए बी है ए बी आएगा कहां से इनपुट या तो ए होगा या तो बी होगा ए और बी बनाने के लिए एक लॉजिक गेट तो लगाना पड़ेगा इसीलिए जनरली हम इनपुट में जितने भी वेरिएबल्स हैं या तो वो वेरिएबल या उसका कॉम्प्लीमेंट या जीरो या वन ये चार चीजें जनरली यूज करते हैं अब समझ में आया ये जो इनपुट्स होगा हम जनरली चार चीज यूज करते हैं या तो या या तो या जो भी वेरिएबल है ए है तो यूज कर सकते हैं ए बार यूज कर सकते हैं बी है तो बी और बी बार इतने वेरिएबल जनरली हम यूज करते हैं ठीक है क्योंकि अगर इनके सिवाय कोई दूसरा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लॉजिक गेट लगा के फिर उसे पास करना पड़ेगा क्लियर हाँ बट किसी एक सर्किट के आउटपुट को हम दूसरे सर्किट में भेज सकते हैं क्लियर इतना तो ये आपका क्या है दिस इज नथिंग बट सम सम है ये हाफ एडर का तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इम्प्लीमेंट हाफ एडर बाय टू क्रॉस वन मक्स क्या बन सकता था देखते हैं चलिए सम तो बन गया क्या आप क्या आप कैरी बना सकते हैं तो देखते हैं चलिए ये आपके पास जीरो है यहां आपके पास वन है और ये आपके पास सिलेक्शन लाइन एस जीरो है ठीक है सिलेक्शन लाइन मुझे जीरो लिखना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने इसे लिख दिया हमें क्या चाहिए आप यहाँ बी ले सकते थे और यहाँ ए ले सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मैं यहाँ ए लेता हूं तो मुझे ए बार किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए जीरो से और ए किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बी से तो ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा ए बार इंटू जीरो प्लस ए इंटू बी ठीक हैथिंग बट ए डॉट बी और ये क्या है आपके पास uh, कैरी है किसका हाफ एडर का तो so, आपको यह समझ में आ गया कोई भी टू इनपुट कोई भी टू इनपुट लॉजिक गेट आप किसके थ्रू बना सकते थे इस टू क्रॉस के थ्रू किसके थ्रू बना सकते थे क्रॉस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप बना सकते थे किसके थ्रू बना सकते थे टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर आसान था बोलेंगे आसान है अब अगर मैं बोलता हूं आपको हापैटर बाय टू क्रॉस वन मक्स तो क्या बन जाएगा ना अब अगर मैं आपको बोलूं डिकोडर के थ्रू अगर आप बनाते थे तो एक आपको टू क्रॉस फोर डिकोडर की रिक्वायरमेंट थी और उसके लास्ट में आपको दो और गेट अलग से लगते मतलब एक टू क्रॉस फोर डिकोडर और दो और गेट यहां आप देखेंगे कितने में बन जाएगा यहां सिर्फ हमको दो टू क्रॉस वन मक्स चाहिए सिर्फ दो और वो भी टू क्रॉस वन तो अगर मैं एक टू क्रॉस वन को टू अगर हम डिकोडर से कंपेरिजन करें यहाँ पे टू और टू फोर हो गया वहां फोर हो गया वहां एक्स्ट्रा और एट लग रहा था वो यहाँ नहीं लग रहा है इसका मतलब अगर आप देखें कि मैंने जो एक ड्रॉबैक बताया था मल्टीप्लेक्सर में कि एक बार में एक आउटपुट मिल सकता है और अगर दो आउटपुट लेना है तो आपको ज्यादा मल्टीप्लेक्सर लगेगा ठीक है लगेगा ज्यादा मल्टीप्लेक्सर लेकिन आपने साइज तो रिड्यूस कर दी मल्टीप्लेक्सर की सो so जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर ज्यादा लग रहे थे वो प्रॉब्लम आपने कम कर दी एटलीस्ट दो आउटपुट के लिए अब अगर आपको चार आउटपुट चाहिए उस केस में तो आपको मल्टीप्लेक्सर में ज्यादा मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होगा बट अगर आपको कभी किसी भी लॉजिक सर्किट में दो आउटपुट चाहिए तो अगर मैं पूछूं डिकोडर इज बेटर और मल्टीप्लेक्सर इज बेटर ऑलवेज मल्टीप्लेक्सर इज बेटर क्योंकि एक्सटर्नल लॉजिगेट नहीं लगता है बट हाँ अगर चार आउटपुट एक साथ चाहिए था उस केस में आप ये नहीं बोल सकते थे कि मल्टीप्लेक्सर बेटर है बट डिकोडर में एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना पड़ता मैं नहीं चाहता एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना सो तो आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरी सर्किट हम स्टडी करेंगे गोल क्लियर अब क्या है सो तो मल्टीप्लेक्सर इज बेटर फॉर द टू आउटपुट मोर देन अगर टू आउटपुट लेना है So, उस केस में डिकोडर इज बेटर बट डिकोडर के बाहर जो आप एक्सटर्नल और गेट लगा रहे थे अलग से वो अलग से हम नहीं लगाना चाहते वो पहले से वहां लगा होना चाहिए बट वैसी सर्किट कहां पे मोर यूजफुल है जब आपका आउटपुट एक साथ मोर देन टू बुलियन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है क्लियर दिस पॉइंट क्लियर दिस पॉइंट सो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हम डिकोडर पढ़े उसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज मल्टीप्लेक्सर पढ़े क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज और आगे हमें क्या पढ़ना है तो चलिए पहले इसे देखते हैं हाफ एडर बनाना है तो यहां से आपका आउटपुट सम हो जाएगा और यहां से आपका आउटपुट कैरी हो जाएगा ठीक है यहां हमारे पास सलेक्शन लाइन एस जीरो एस जीरो ही होगी हम इसे क्या ले लेते हैं दिस इज ए इसको मैंने ए ले लिया यहां आपके पास दो इनपुट होगा एक आई जीरो एक आई वन इसको हम आई जीरो बोलते हैं इसे हम आई वन यहाँ हम आई जीरो बोलते हैं और इसे हम आई वन बोलते हैं ठीक है सो so, यहां से जब ए बार होगा तो मुझे ए बार इंटू बी चाहिए और ए इंटू बी बार चाहिए तो यहाँ बी बार लगा दिया मैंने ऐसा नीचे क्या चाहिए आपको ए बार इंटू जीरो और ए इंटू यहाँ बी दिस सर्किट इज नथिंग बट हाफ एडर सम एंड कैरी दिस इज हाफ एडर सम एंड कैरी क्लियर अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा एक एक्सोर गेट इसके थ्रू बनाया किसके थ्रू बनाया इसके थ्रू बनाया क्लियर है

या यहाँ पे जो फोर नाइन गेट सर्किट बना है इसका डिले ज्यादा होगा और अगर आप ये देखेंगे कि जो टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर का कॉस्ट होगा और आप यहां जो फोर नाइन गेट से एक्सर बनाएंगे इसका कॉस्ट ज्यादा होगा दोनों में ही आपका ये वाले पार्ट बेटर होगा दिस पार्ट इज बेटर दिस इज द मैजिक क्लियर वाई टेन स्टार तो अभी तक आपने मिनिमम सर्किट ली थी एक एक्सर बनाने के लिए क्या फोर नाइन गेट उस चीज को आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते थे बाय यूजिंग टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर बट मल्टीप्लेक्सर को ऑपरेट कौन कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर so, जब मल्टीप्लेक्सर ऑपरेट कराना है वो वही पॉसिबल है जहां उस हार्डवेयर में क्या हो एक माइक्रो प्रोसेसर और यू कैन से प्रोसेसर अवेलेबल हो क्या हो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर अवेलेबल हो क्लियर सो so, आपने देखा हाफ एडर फोर क्रॉस वन मक्स के थ्रू आपने देखा टू क्रॉस वन मक्स के थ्रू विच वन इज बेटर दिस वन तो बेटर इससे जो पहले पढ़ा था जो पहले डिजाइन किया था वो डिजाइन हमारी इस डिजाइन से यूजफुल नहीं है दिस डिजाइन इज मोर यूजफुल तो यहाँ डिजाइनर एक इंजीनियर का नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कितने कम से कम पे बना सकते थे आप कितने कम से कम पे बना सकते थे क्लियर है यहां तक सो आपको टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर एंड फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर क्लियर हो गया होगा ठीक है सो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंट so, करना है नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एट क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर वहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो हमें आउटपुट कैसे निकालना है और अगर हमें बुलियन फंक्शन दिया जाए तो हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कैसे डिजाइन कर सकते हैं ठीक है क्लियर तो चलिए इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं फिर ठीक है? सेशन पे हम मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक लेके और big size multiplexers और more number आ, boolean आप फंक्शन को कैसे छोटे-छोटे से डिजाइन कर सकते हैं ओके तो एंजॉय करते रहिए लेक्चर वॉच कीजिए प्रॉपर मैं प्रॉमिस करता हूं आप डिजिटल में एक बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे ठीक है और उसके बाद आप एंजॉय कीजिए और जो भी डाउट्स आता है आप कमेंट पे जरूर लिखिए ठीक है ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय जय